times India web portal के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जिनके प्रयासों से ये शुभ काम होना जा रहा है, ऐसे इस वेब पोर्टल के संरक्षक महाराज शिवाकांत जी और जो एक नौजवान संस्कारित नौजवान इस वेब पोर्टल को शुभारंभ करने जा रहा है, ऐसे महेंद्र सिंह जी इसके डायरेक्टर और कोई ना सलमणि त्रिपाठी जी और महेंद्र सिंह के अभिभावक उनके और उनके परिवार के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मीडिया से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार जन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र सिंह जी को महेंद्र सिंह जी को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस प्रतिद्वंद्विता के युग में जहां बड़े बड़े रोज नए नए न्यूज चैनल वेब पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी आगे आकर सच्चाई को सामने लाने के लिए एक साहस का प्रकटीकरण किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जहां स्वामी प्रसाद जी और केशव प्रसाद जी बोल चुके हों, यानी ये तो माधव हैं, अब माधव के आगे बोलने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं समझता हूँ, ये तो हमारे दोनों पुराने वरिष्ठ नेता, महान विद्वान और समाज में इन्होंने प्रत्येक चीज़ को देखा है, निकटता से देखा। लेकिन एक औपचारिकता है, लेकिन जो लोकतंत्र चार स्तंभों पर टिका हुआ है और इस चार स्तंभों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, इसमें हम मीडिया की भूमिका को नकार नहीं सकते। और ये भूमिका आज से नहीं है मित्रों, इस देश में आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो नारद मुनि के समय से मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज ये बात सच है कि इन पे अब कैमरे हो गए हैं, माइक्रोफोन हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं, उस समय तो वीणा होती थी, नारद लेके पहुंच जाते थे, तो उस जमाने से समाचार पत्रों का महत्व है। और आज तो इनके प्रकार बदल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल मीडिया, लेकिन इसकी आवश्यकता है यदि हमें इस देश में परिवर्तन लाना है, सुधार लाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस देश में लोकतंत्र की जो धुरी है वो मजबूत हो, अन्याय और अत्याचार समाप्त हो। और जैसा स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि हम इस देश में राम राज्य लाएं, या उन्होंने जिक्र किया भगवान राम के युद्ध का, सीता के कारण उन्होंने जिक्र किया महाभारत का भी, और ये दोनों युद्ध सत्य और असत्य के बीच थे, और ये सत्य असत्य की लड़ाई आज भी जारी है और हमेशा जारी रहेगी। सत्य असत्य के बीच का संघर्ष कोई सत्ता का संघर्ष नहीं है,
ये वैचारिक संघर्ष है और ये वैचारिक संघर्ष हमेशा बना रहेगा, लेकिन जीत सत्य की होगी, सत्यमेव जयते। और इसीलिए ये समाचार पत्र आगे बढ़ रहे हैं, जीवंत हैं, क्योंकि ये सत्य के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समाचार पत्रों का जो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में शुचिता के लिए काम करें, वो अभिनंदनीय और वंदनीय है। हम तो उस जमाने में राजनीति में थे जब अपना समाचार खुद ही लिखते थे, खुद ही लगाने जाते थे। अब तो बड़े बड़े संसाधन हो गए हैं, अब तो नेता कहते हैं मेल कर दो भाई, भेज दो, लेकिन तब धीमे धीमे प्रगति हो रही है, हर चीज में प्रगति हो रही है, इसलिए मीडिया में भी प्रगति हो रही। पहले दो चार अखबार निकलते थे, अब तो आज मैं समझता हूँ सैकड़ों अखबार निकल रहे हैं। लखनऊ में कहो दो से अखबार निकल रहे हो, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि हमें इस देश की वास्तविकता क्या है उसको अपने मीडिया के माध्यम से समाज को दिखाने। कहाँ गरीबी है, कहाँ भुखमरी है, कहाँ बेकारी है, कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अत्याचार होगा हो रहा है। जब तक उन चीज़ों का हम दिखाएंगे नहीं, पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक ये लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आप लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और आपके माध्यम से लोकतंत्र मजबूत हो और इसमें न्यूज टाइम्स इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन हो, इसके लिए मैं अपनी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।